हेलो गाइस, माय नेम इज लव कुमार सोनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता है मैं BFA से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स देता रहता हूँ। मैंने मोस्टली देखा है जो बच्चे स्टिल लाइफ करते हैं ना, उनके साथ में क्या प्रॉब्लम आती है। कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट ओवरलैप है, आगे पीछे ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर शेडिंग है, तो वो क्या करते हैं, उसकी आउटलाइन कर देते हैं, यानी कि उसको डार्क सा कर देते हैं। इतना बेकार लगता है, वो नकली सा कट पेस्ट लगता है। उसको आप कोशिश करिए कि शेडिंग के साथ में ही निकालते हुए चलिए, स्ट्रोक्स के साथ में ही निकालते हुए चलिए। आप देखिए, मेरा हैंड है इधर डार्कनेस से, समझ गए, ये पीछे वाइट है स्पेस, ठीक है, ये वाइट है पर यहाँ पर कोई लाइन नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये शेडिंग ही है, जो शेड इधर से डार्क होते हुए लाइट की तरफ जा रही है, इधर से डार्क होते हुए लाइट की तरफ जा रही है, यहाँ पर कोई आउटलाइन नहीं है। आप कोशिश करिए, जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं आगे पीछे ओवरलैप हो रहे हैं, तो उसमें आप आउटलाइन ना देखकर उसको ध्यान से फोकस से देखिए, वहाँ या तो डार्क होगा या लाइट होगा, जिस वजह से वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इससे पता चल रहा ओवरलैप, वो पता चल रहा है कि ये चीज़ आगे है, ये चीज़ पीछे, उसमें आउटलाइन ना कर दें, ठीक है। वो बहुत बेकार, चीप सा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता, नकली से कटपेस्ट से जो आपकी शेडिंग लगेगी वहाँ पर, ठीक है। आप कोशिश करिए उसको समझने की, उसमें शेडिंग को कितने स्टेप्स में वो शेडिंग जा रही है, पहले लाइट है, डार्क है, कितने कितने वेरिएशन पे वो शेडिंग चेंज हो रही है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्टिल लाइफ बनाइए। ये ना हो कि फ्लैट आपने उसमें स्ट्रोक्स लगा दिए और फिर आउटलाइन से निकाल दिए, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि एक से एक धुरंधर काम कर रहे हैं जो बैठे हैं घर पर बैठ के, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप ऐसे सोचिए, क्योंकि आप अभी तो अपने घर पर या इस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो घर बैठे बैठे भी काम कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। कुएं के मेंढक मत बनिए, बाहर निकल के देखिए किस तरीके का काम चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है इंस्टीट्यूट वगैरह, और या वो क्लासेस ले लें ऑनलाइन, तो उनसे भी आप कोशिश करने की कोशिश करिए, क्योंकि उनके पास एक टीचर है, एक उनका मेंटोर है, उनको गाइड करने वाला, ठीक है। तो मैं ये सलाह दूंगा आपको, अगर आपके नियरेस्ट कहीं भी कोई कोचिंग सेंटर है या कोई क्लासेस देता है आपको BFA से रिलेटेड, तो आप उनकी गाइडेंस में काम करिए, तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। समझ गए मेरी बात को? तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, और कोशिश करिए कि आउटलाइन ना करिए, किसी भी चीज़ में आउटलाइन मत करिए। जो भी आपकी, अगर आपका लाइव ड्राइंग भी हो रही है वहाँ पर, जामिया में अगर आप कर रहे हैं लाइव ड्राइंग, तो वहाँ पर भी आउटलाइन से ना निकालें उसको, ना ही स्टिल लाइफ में आउटलाइन करिए। आउटलाइन का मतलब होता है ब्लैक, जो आउटलाइन कर देते हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है, पेंसिल से डार्क डार्क चला जाते हैं, ऐसा नहीं करना, उसको शेडिंग से ही लेके आना है, समझ गए, शेडिंग से ही उसको लेके आना, ओवरलैप उसका दिखाना, पीछे का जो ऑब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए, आगे का ऑब्जेक्ट, क्योंकि आगे का ऑब्जेक्ट डार्क है या पीछे का ऑब्जेक्ट लाइट है, इन सब चीज़ों को ध्यान, चाहे दोनों के सेम ही कलर क्यों ना हो, लेकिन उनमें पता चलेगा आपको शेडिंग के थ्रू कि भाई ये इसके आगे है, पीछे इसमें भी शेडिंग आ रही, कहीं आउटलाइन नहीं होती। कहीं भी आप देखें, कोई भी पेंटिंग में आप देखें, जो भी कलरफुल पेंटिंग होगी, अच्छे जिसमें कि शेडिंग कर रखी होगी अच्छे तरीके, उसमें कहीं पे आपको लाइन नहीं दिखाई देगी, वो शेडिंग ही चलती हुई आती है, चाहे जहाँ से डार्क है उधर से ही लाइट होते हुए जाती है, कहीं लाइन नहीं होती। समझ गए गाइस? लाइन आप कब करेंगे, जिस टाइम आप कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं स्टार्टिंग में, जैसे आपने शुरू करा है, तो आप उसको जब ड्रॉ कर अपना, फिर उसके बाद में वो लाइंस भी दब जाती हैं हमारी, ठीक है, जब हम शेडिंग करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो जो भी ये मिस्टेक कर रहे होंगे तो उनको समझ आ गया होगा, और आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा तो आपकी स्टिल लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपकी लाइव ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।